चलो लेट्स स्टार्ट। सो बायबैक का लेक्चर नंबर टू, बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, मैंने बताया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट है। बायबैक ऑफ शेयर्स में सबसे पहले मैंने बताया था कि दो चीजें पॉसिबल हैं। जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है उसके अंदर, कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक दिया है कि नहीं दिया, राइट है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक इज गिवन, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक इज नॉट गिवन। यस, नंबर ऑफ शेयर्स to be buyback is not given. Okay. अगर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई फॉर्मेलिटी बनाना, डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर नहीं दिया है तो हमको एक पहले फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट हमें क्या बताएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है, और उस फॉर्मेट में भी दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, इफ बायबैक प्राइस इज गिवन, और इफ बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन, राइट। उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे और थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। फॉर्मेट याद है तुम्हें? यस। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। आफरीन आ गई। चलो क्वेश्चन देखो। आफरीन आवाज आ रही है? हेलो, आफरीन आवाज आ रही है? हेलो आफरीन, आवाज आ रही है? चल मैं म्यूट कर रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा तो रेजर हैंड करना। ओके नो, क्वेश्चन नंबर वन करने जा रहे हैं हम लोग। अगर फॉर्मेट नहीं याद किया तो सबसे पहले फॉर्मेट याद करना बहुत जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन, वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर अ बायबैक। जैसे ये फॉर्मेट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सम समझ रहे हैं। सम ऐसा नहीं आएगा, ये अभी जस्ट बेसिक सम से स्टार्टिंग का। सो वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर बायबैक, द अंडर नोटेड बैलेंस शीट वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या है हमारे पास। पहला, हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए हो गए। दूसरा, हमारे पास फ्री रिजर्व है 1,50,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और 10% डिबेंचर है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, द डायरेक्टर ऑफ जी लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कंडीशन एज पर द कंपनी एक्ट। अच्छा, कंडीशन जो मैंने बताई है ना, वो उसी की बात कर रहा है,
कि 25% ज्यादा बायबैक नहीं कर जो हमने फॉर्मेट में देखा है, ठीक है, हैव बीन कंप्लाइड विद अ सर्टेन पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पहला लिखा है बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट पार बोला है, राइट है ना। अच्छा मैक्सिमम कितना हम बायबैक कर सकते हैं? अभी देखो पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये समझना है क्या सम में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक दिया हुआ है कहीं पर भी। पहला वाला देखो हम लोग को ए सॉल अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है, सबको अलग अलग सॉल्व करना है। तो हम पहले ए को कर रहे हैं, तो ए में क्या बोला है बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट पार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो मैं ए का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। ए का, ए के हिसाब से सम में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर सम में फॉर्मेट सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक इज नॉट गिवन, तो ऐसे किसने पहले फॉर्मेट फॉलो करेंगे, राइट है। यानी कि अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और फॉर्मेट देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या है। अब फॉर्मेट में भी दो ऑप्शन था, बायबैक प्राइस इज गिवन, बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे देखो ए वाले ऑप्शन में बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो सीधा बोला बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट पार। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे मेरा पहला वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। चलो फॉर्मेट बनाते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक पहला था हमारा 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर का फंड मैंने मतलब मैंने बोलता था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब सब में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 2 लाख रुपए का है, तो ये आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास रिजर्व, देखो एक तो मेरे पास फ्री रिजर्व है, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो पहला मेरा फ्री रिजर्व है 1,50,000 का, दूसरा मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख रुपए का। सब में कहीं पर भी मिसलिनियस नहीं दिया, तो मिसलिनियस हो गया नील। चलो ये तीनों को प्लस माइनस करते, तो 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,50,000, ये मेरा पहला आंसर आ गया, राइट। नाउ सेकंड आता है डेप्ट इक्विटी 2:1, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो भी मेरे पास ये आंसर आएगा, ये आंसर को यहां लेना है टोटल को। अच्छा इसका हमने 25% नहीं निकाला ना, वेट ए मिनट, फोर लाख फिफ्टी इसका 25% ले लेना, 4,50,000 का 25% कितना हो जाएगा, 1,12,500, ये मेरा पहला आ गया डेप्ट इक्विटी। मैंने बोला था ये वाला जो अमाउंट आएगा 4,50,000 उसको यही ले लेना है, तो ये मेरा शेयर होल्डर फंड है, तो मेरा शेयर होल्डर फंड 4,50,000, इसमें से माइनस कर दो डेप्ट डिवाइड बाय 2, डेप्ट का मतलब लोन। अब क्वेश्चन में देखो लोन कितना है, क्वेश्चन में देखो हमको लोन डिबेंचर दिया है कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का हाफ, तो 1 लाख का हाफ हो जाएगा 50,000, तो 50,000 यहां से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा मेरा आंसर सेकंड वाला 4 लाख, ठीक है। तो पहला आंसर मिल गया, दूसरा आंसर मिल गया। अब तीसरा मैंने क्या बताया था, बायबैक प्राइस इज गिवन और नॉट गिवन के ऊपर केस है, तो यानी बायबैक प्राइस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो लोअर होगा उसको थर्ड से डिवाइड करना है, बराबर है। तो यहां पे मैं कर रहा हूं थर्ड 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे पास कितने इक्विटी शेयर है, 20,000 इक्विटी शेयर है, बराबर है। तो 20,000 का
20,000 इंटू उसका 25% कितना आता है? फेस वैल्यू से मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, फेस वैल्यू से इंटू नहीं कर रहा हूँ, कितना आता है? 5,000 शेयर्स. अगर तुमने देखा होगा तो मैंने बताया था यहां पर अगर पहले बायबैक प्राइस निकालना है तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर में जो लोअर होगा उसको डिवाइड करेंगे थर्ड वाले आंसर से. ये बताया था. अगर बायबैक प्राइस दिया होता तो ऐसा नहीं होता, बायबैक प्राइस नहीं दिया इसके लिए ऐसा करेंगे. तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट कितना है 1,12,000 और सेकेंड कितना है 4 लाख. सो विच एवर इज लोअर, 1,12,500, तो 1,12,500 डिवाइड बाय थर्ड, थर्ड है हमारा 5,000, तो डिवाइड है 5,000, कितना आता है डिवाइड करो? 22.5 मेरा क्या है? बायबैक प्राइस है, यानी इतना शेयर्स में क्या करूंगा, इतने के हिसाब से बायबैक करूंगा. और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा थर्ड वाला ही होगा जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. तो 5,000 शेयर्स मुझे 22.5 रुपीज के रेट से बायबैक करना है, ठीक है ना, खत्म हो गया. हमारा पहला वॉइस ने यही पूछा था कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे, तो उसका हमारा पहला आंसर आ गया 5,000 शेयर्स बायबैक करेंगे 22.5 के रेट से. उससे पहले हमको यही पूछा था पहला वाला, बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट पार, समझाइए. अफरीन कोई डाउट? डाउट के लिए यस है कि डाउट नहीं है उसके लिए यस है? अफरीन समझ गया, ओके. चलो ये लिख लो फटाफट. पहला वाला ये हमारा पहला सोल्यूशन है. सो अभी हम लोग करेंगे, उसमें सब में क्या लिखा था, ये तो हो गया कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है. तो बायबैक करना है 5,000 शेयर्स, राइट है. अब देखो क्वेश्चन ये था, अगर इस क्वेश्चन को मैं, अगर सब में कुछ नहीं लिखा होता तो मैं 22.5 के रेट से बायबैक कर लेता. लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें पार पे बायबैक करना है, पार पे, राइट है ना. अब पार का मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस. अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे. क्वेश्चन देखो, इसमें तो बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट पार, बराबर है. तो पार है तो 10 रुपए से ही हमको उसको खरीदना और बेचना है, राइट है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसके एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले एंट्री नंबर 1, मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूं. सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है. सो सबसे पहला एंट्री आ जाएगा यहां पे अगर तुमको एंट्री याद है तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो गया. फॉर्मेट से हमको मालूम पड़ गया, राइट है, शेयर्स पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है, राइट है. तो इस क्वेश्चन में उसने लिखा था 20,000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से, राइट है ना, वो 2,00,000 रुपए हो गए, यानी कि फुल्ली पेड अप है, कहीं पर ही पार्टली पेड अप नहीं लिखा हुआ, तो स्टेप नंबर 1 नहीं आएगा. स्टेप नंबर 2 सोर्सेस ऑफ फंड. अब सोर्सेस ऑफ फंड में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो मार्केट में इक्विटी शेयर बेचेगा या तो फिर मार्केट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा, बराबर है. अब यहां पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ए वाले ऑप्शन में कि उसने कुछ खरीदा है या बेचा है या उसने मार्केट में फ्रेश इशू किया है. क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सीधे हमको पहला ऑप्शन हम ए लेके चल रहे हैं. तो सीधा हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 नहीं है, स्टेप नंबर 2 नहीं है, आएंगे स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला. तो फॉर्मूला बना लेते हैं, फॉर्मूला के बेस पे एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है ना. तो फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला वर्किंग का पार्ट है, ठीक है ना, तो वर्किंग में जाएगा वो। तो फॉर्मूला था इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डीपी प्लस एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर, और यहां पर आ जाएगा पीओबीबी इज इक्वल टू एसपी प्लस डीपी, ठीक है। अच्छा, कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है हमको? 5000, यही बोला है सब में, जो हमने आंसर निकाला हमारा। तो हमें 5000 शेयर्स बायबैक करना है, तो 5000 शेयर्स बायबैक करो 10 रुपए के रेट से, क्योंकि पार बोला है, और 5000 इंटू जीरो, जीरो क्यों? क्योंकि सब में प्रीमियम की बात नहीं की गई है, 10 का शेयर से 10 में बायबैक करना ऐसा बोला है। अच्छा, सब में फ्रेश इशू तो है नहीं, तो ये हो गया नील। अब आता है डीपी, हमें कितना रुपया चाहिए? 5000 इंटू 10 इज 50000, तो डीपी मेरे पास कौन सा है? अब क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे पास फ्री रिजर्व है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का है, देखो मेरे पास फ्री रिजर्व है 1.5 लाख रुपए का, बराबर है। तो मैं डायरेक्टली डीपी से पैसा ले लेता हूं, तो यहां से हम डीपी से ले लेंगे, 1.5 लाख रुपया है उसके पास, 50,000 ले लिया, तो एसपी से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा मिला के 50,000 होना चाहिए, तो 50,000 हो गया, यही ट्रांसफर होगा सीआरआर में, ठीक है। और ये कहां से यूज किया हमने? फ्री रिजर्व से। ये तो आने वाला नहीं है निल, ये भी निल, क्योंकि इसका आंसर ही निल आएगा, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, राइट है। आफरीन, समझाइए। प्रियंका? यस सर। ओके, अब आते हैं इसके स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था? इन्फॉर्म करो, पेमेंट करो। तो इन्फॉर्म की एंट्री क्या आ जाएगी? पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब फॉर्मूला से हमको आंसर मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 का, पीओबीबी निल है, राइट है। तो ये आ जाएगा 50,000, ये तो है नहीं, तो ये हो गया 50,000, तो 50,000 का पेमेंट कर दो, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, ये हो गया इन्फॉर्म पेमेंट। फिर इसका मैंने बताया था डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, तो डीपी में हमने क्या यूज किया? फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि जिस रिजर्व को यूज करेंगे उसका नाम डेबिट करेंगे, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 50,000। फिर मैंने एंट्री बताई थी पीओबीबी राइट ऑफ करना है, तो पीओबीबी तो है ही नहीं, तो एंट्री आएगी ही नहीं। हो गया तुम्हारा पहला वाला। राइट, हो गए हमारी 3 एंट्री, कितनी है? चलो फटाफट लिख लो। सो अब बी का सोल्यूशन देखते हैं। बी में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला हुआ है बी के बारे में, बायबैक 4000 इक्विटी शेयर्स एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है? 4000। तो सब में बायबैक का तो दे दिया, लेकिन बोल रहा है बेस्ट पॉसिबल प्राइस। अब पॉसिबल प्राइस का मतलब यहां पर हम बायबैक प्राइस की बात करेंगे, तो बायबैक प्राइस तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है यहाँ पे 22.5, बराबर है। यानी कि मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं? बी के सोल्यूशन की बात करूं, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स 4000, जिसका बायबैक प्राइस है 22.5, ये हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मेट वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है और बायबैक प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। तो सबसे पहले हम क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री, सीधा हमको जर्नल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है। सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ In the books of
जी लिमिटेड। तो पहले की बात करूं ए का सोल्यूशन, मतलब पहला एंट्री, तो पहला एंट्री सिंपल है। देखो मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर वन, पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधा का सीधा फुल्ली पेड अप है। दूसरा, मार्केट में फ्रेश इशू किया नहीं है, ना ही उसने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, स्टेप नंबर टू भी नहीं है। सीधा स्टेप नंबर थ्री करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डीपी प्लस एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। और दूसरा था हमारा पीओबीबी इज इक्वल टू एसपी प्लस डीपी। ठीक है, तो 4000 शेयर्स बायबैक करना है, 4000 शेयर्स बायबैक करना है। ठीक है, इनटू इनटू कितने रेट से करना है, 22.5 के रेट से, ₹10 उसमें फेस वैल्यू है और एक्स्ट्रा कितना हो गया 12.5, तो ये 12.5 बन गया पीओबीबी। देखो 10 के बदले में मैं पैसा कितना दे रहा हूँ, 22.5, इसका मतलब 12.5 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो पीओबीबी बन गया। तो यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12.5। ठीक है, चलो अब इंटू कर देते दोनों को। तो 4000 इंटू 10 इज 40,000 और ये आ जाएगा आई थिंक 50,000, राइट? तो 4000 इंटू 12.5 ये 50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि फ्रेश इशू तो उसने किया नहीं है, तो फ्रेश इशू हो गया नील। अब मेरे पास डीपी, डीपी में मेरे पास क्या है, डीपी मेरे पास फ्री रिजर्व है 1.5 लाख रुपए का और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, 50,000 का 1 लाख का है, आई थिंक 1 लाख का है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख रुपए का, राइट है। अब क्वेश्चन आता ये है कि डीपी मेरे पास फ्री रिजर्व है 1.5 लाख रुपए का, मुझे चाहिए 40,000, तो मैंने फ्री रिजर्व से 40,000 ले लिया। मैं एसपी के पास तब जाऊंगा जब डीपी के पास पैसा नहीं होगा, तो ये नील हो गया, ये हो गया सीआरआर, यानी 40,000 रुपए ट्रांसफर होगा। अब आता है एसपी, एसपी मेरे पास है 1 लाख रुपए, तो एसपी से मुझे कितना चाहिए 50,000, तो मैंने इससे 50,000 ले लिया और डीपी से नील, राइट। तो ये हम लोग का फॉर्मूला रेडी हो गया, और फॉर्मूला को देख के एंट्री पास कर लेते हैं। तो हमारी पहली एंट्री क्या है, इनफॉर्म की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब सीधा फॉर्मूला से आंसर मिल जाएगा, इक्विटी शेयर है 40,000, पीओबीबी कितना है 50,000, और दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 90,000, राइट, 40 और 50। अब आता है बी, इन्फॉर्म किया, पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा 90,000 का पेमेंट किया। ठीक है, इन्फॉर्म किया, पेमेंट किया, अब क्या करना है, डीपी और एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो डीपी में हमने क्या यूज किया था, फ्री रिजर्व, राइट है ना, हमने यहाँ पे फ्री रिजर्व यूज किया है। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना 40,000, और लास्ट डी एंट्री पीओबीबी राइट ऑफ। तो पीओबीबी राइट ऑफ करने के लिए देखो हमने क्या यूज किया, हमने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है, डीपी यूज किया नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, पीओबीबी क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीओबीबी प्रीमियम ऑन बायबैक 50,000। ये हो गया हमारा बी का सोल्यूशन। ओके मान्य साहेब, सॉरी सर, जरा नेट का इश्यू होता। ओके समझाइए ना, आया था माला, परत समझा।
क्या नहीं समझा? ये हमारा बी का सोल्यूशन है, वो ए का है। ओके आफरीन को समझ गया, आपको क्या नहीं समझा? मी गेला नंतर तुम्ही काय शिकवलं का नाही ना? तुम गए का? मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। शायद बी हो गया हमारा सॉल्व करके। सी बायबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 40, कितने के रेट से करना है? 40 के रेट से बायबैक करना है। और क्या लिखा है? मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब 5000, जो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है सी के हिसाब से। ओके सी का सोल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स 4000 शेयर्स बायबैक, सॉरी 5000 शेयर्स बायबैक करना है, जिसका बायबैक प्राइस होगा 40 रुपीज। तो पहले मैं फॉर्मूला ही बना लेता हूं। फॉर्मूला था हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डीपी प्लस एसपी ट्रांसफर टू सीआरआर। और सेकेंड हो गया हमारा पीओबीबी इज इक्वल टू एसपी प्लस डीपी। अच्छा कितना नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास? 5000। तो 5000 शेयर्स को बायबैक करना है कितने के रेट से? 40 के रेट से। और इस 40 में फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। और प्रीमियम ऑन बायबैक है कितना? 30 रुपीज एक्सेस। तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 5000 × 30, तो ये हो गया हमारा 50,000, ये हो गया हमारा 150,000। ओके नाउ सब में फ्रेश इश्यू तो है नहीं, तो ये हो गया नील। डीपी के नाम पे मेरे पास फ्री रिजर्व है कितना? 150,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,00,000 रुपया। यानी एक ही क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं ए बी सी की तरह। तो 150,000 है मेरे पास क्या? फ्री रिजर्व। मुझे चाहिए कितना? 50,000। तो मैंने 50,000 फ्री रिजर्व से ले लिया और एसपी से मेरा निल हो गया, तो ये सीआरआर, राइट। और एसपी मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मुझे यहाँ 1.5 लाख चाहिए, तो मैंने 1,00,000 रुपए एसपी से ले लिया, क्योंकि एसपी के पास सिर्फ 1,00,000 रुपए ही है, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,50,000 की। और एसपी के पास कितना रुपया है? 1,00,000। तो 1,00,000 एसपी में ले लिया। डीपी, अब देखो मेरे पास 1,50,000 रुपया था, उस 1,50,000 में से 50,000 तो पहले डीपी में यूज कर चुका हूं, तो अब डीपी बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपया। तो मैं यहां से 50,000 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे 50,000 चाहिए। वापस समझाओ ये कि समझ गया। ये मेरे पास फ्री रिजर्व में 1,50,000 रुपए थे, उसमें से 50,000 मैंने पहले यूज कर लिया, तो बच गए कितने? 1,00,000। उस 1,00,000 में से मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए चाहिए, तो मैंने यहाँ 50,000 ले लिया। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब आएगी मेरी पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या है हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 50,000, पीओबीबी हो गया 1,50,000 और इक्विटी शेयर होल्डर हो गया 2,00,000 रुपए का। तो ये हो गया मेरा पहला एंट्री, किसका? इनफॉर्म। फिर बी एंट्री पास करेंगे पेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 2,00,000। इनफॉर्म किया, पेमेंट किया, अब क्या करेंगे? पीओबीबी को राइट ऑफ करेंगे और डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। अब देखो डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर में मैं 50,000 रुपया किससे लिया था? डीपी से। तो यहां पर आ जाएगा क्या? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50,000। और मेरी लास्ट एंट्री आ जाएगी पीओबीबी राइट ऑफ। पीओबीबी राइट ऑफ करने के लिए मैंने एसपी भी यूज किया, डीपी भी यूज किया, तो दोनों डेबिट होगा। तो एसपी अकाउंट डेबिट और डीपी मैंने फ्री रिजर्व यूज किया, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट to POBB। So, ये आ गया 1,00,000 रुपया, ये हो गया 50,000, कुल मिला के हो गया 1,50,000। Completed your C solution।
किसको नहीं समझा? आफरीन, प्रियंका, को डाउट? ओके, नो सर। दो मिनट में देखो कट हो जाएगा, आप लिख लो, फिर हम लोग वापस से रिज्वाइन करते हैं।